बताते चले कि यह पूरा मामला सिधारी रामलीला मैदान स्थित एक शॉपिंग मॉल के पास का है, जहां एक महीने पहले ट्रांसफार्मर जलने से 4 लोग बुरी तरह से जल गए थे, जिसमें एक महिला बुरी तरह से झुलस गई थी। उसका इलाज ग्लोबल हॉस्पिटल सिधारी पर चल रहा है, जिसकी हालात नाजुक बनी हुई है। आज बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा जब जले हुए ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि यहां पर हम ट्रांसफार्मर नहीं लगने देंगे, और पीड़ितों के मुआवजों की मांग की गई, जिसकी सूचना प्रशासन को मिली तो किसी प्रकार की अनहोनी से बचने व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और पीएससी मौके पर तैनात कर दी गई। प्रशासन की मौजूदगी में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिसको लेकर स्थानीय जनता व पीड़ितों में काफी आक्रोश है। अब हम आपको सुनाते हैं पीड़ित प्रताप मदैसिया ने क्या कहा। क्या नाम है? प्रताप मदैसिया। क्या मामला है आप लोग? मामला सर, एक तारीख 1 अगस्त को घटना होती, ट्रांसफार्मर फट गया था। हाँ। इस ट्रांसफार्मर में हम लोग 4 लोग बहुत बुरी तरह झुलस चुके थे। हाँ। झुलने के बाद हम लोग बीएमएससी के सब लोग एप्लीकेशन डाले कि सर यहाँ से हटवा दिया जाए, हमको मुआवजा दिया जाए। न सरकार मुआवजा दिला रही है, बीएम साहब हटवा रहे हैं, जबरदस्ती ट्रांसफार्मर लगवाया जा रहा है। सर जी, हम चाह रहे हैं ट्रांसफार्मर हट जाए, कि आज मान लीजिए हमारे साथ दुर्घटना हो, कल किसी और के साथ दुर्घटना हो सकती है। भैया जी, हमारे यही मामला कि ट्रांसफार्मर में हट जाए। हम लोग मुख्यमंत्री योगी जी के एप्लीकेशन डाल चुके हैं, डीएम साहब के 10 बार डाल चुके हैं, एसपी कमिश्नर सबके के डाल चुके हैं, मगर हम लोग का कहीं सुनवाई नहीं हो रहा, क्योंकि हम गरीब हैं, गरीब को नहीं सुनवाई होती है। आप जाकर देख लीजिए, ग्लोबल हॉस्पिटल आंटी जी हैं, वो बहुत बुरी तरह से कंडीशन में हैं, 80% जल चुकी हैं, मैं भी 50% जल चुका हूँ, हम लोग 4 लोग इसमें जल चुके हैं। अभी तक कोई मदद नहीं किसी सरकार की तरफ से आई है, अब प्रशासन जबरदस्ती लगवा रही है। हमारी समस्या है ट्रांसफार्मर हट जाए, हमारी यही समस्या है कि वो ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द हटाया जाए। आज लग रहा है फिर वो लग जाएगा, कोई मतलब लोग का नहीं निकला, हम लोग जनता है, हम लोग को कोई नहीं सुन रहा है, पैसों वाली सब सुन रहा है। हाँ बस यही भैया बात है, एक कोई बात नहीं है, हम सोच रहे हैं हट जाए यहाँ से जल्द से जल्द।